आपको दिखाने के लिए, ये देख रहे हो नीचे जो अंगीठी वाला सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है जी। अभी हमारी पैटीज आ गई जी, और इसके अंदर भी वो आलू की स्टफिंग है ही, लेकिन उसके बावजूद ये सारी सलाद जो है ना, ये इसके अंदर जाने वाली है। भाई आप ज़रा एक बार, भैया जी थोड़ा सा ज़रा हाथ हटाओ, ये लुक देखो यार आप, क्या शानदार लग रही है ना, बहुत बढ़िया जी। स्वागत है जी आप सबका चढ़ोरा पॉइंट की एक और नई वीडियो में। भाई मैं इस वक्त हूँ जी ओल्ड राजेंद्र नगर में, और मेरी जो नज़र पड़ी ना भाई, वो पड़ी जी ये वाली जो है ना बाइक पर, जहाँ पे आपको मिलता है जी बॉम्बे सैंडविच और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। धर्मेंद्र जी इनका नाम है जो ये अंकल जी खड़े हुए हैं, और 1990 से जी यहाँ पे जो है ना ये बॉम्बे सैंडविच, बर्गर हो गया, समोसे हो गए, ये सब चीज़ें जो है सेल कर रहे हैं। लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, सामने जी बाल भारती स्कूल है, और ये बिल्कुल सामने जी DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं भी DAV स्कूल से ही पढ़ा हुआ जी, लेकिन मेरा DAV स्कूल जो है वो ग्रीन पार्क वाला है। सबसे पहले जी मैं तैयार करवा रहा हूँ अपने लिए जो है ये बॉम्बे सैंडविच, आप देख सकते हो। अच्छा ये ब्रेड भी आपने स्पेशल लेकर आते हो, इसके कॉर्नर्स नहीं है, है ना? काटते हैं घर पे। अच्छा घर पे काट लेते हो, ठीक है। और ये आ गया जी इसके ऊपर ये मक्खन, 3 स्लाइस का है। प्राइस इन्होंने मुझे बताया नहीं, कितना है जी इसका प्राइस? 50 रुपये इसका प्राइस है जी। सबसे पहले जी मक्खन लगा दिया, उसके बाद ये प्याज के जी स्लाइस आ गए हैं। ये आ गया जी थोड़ा सा चाट मसाला टाइप का कुछ होगा, और ये धनिया पुदीने की चटनी आ गई जी। ये आ गए जी इसके ऊपर टमाटर के स्लाइसेस आ गए। अब ये नेक्स्ट वाले में जी ये खीरे के स्लाइसेस लगा रहे हैं जी। खीरे के बाद जी फिर दोबारा इसके ऊपर ये लगा रहे हैं जी, ये धनिया पुदीने की चटनी। के ऊपर चटनी इसलिए नहीं लगाता हूँ ना जी, ब्रेड गीली हो जाती है ये। अच्छा इसको थोड़ी देर बाद भी खाएंगे तो ऐसी सेम रहेगी। सही बात है, सलाद के ऊपर चटनी लगा जी जी जी, ठीक है। वो ब्रेड जो है बहुत ज़्यादा जो है सॉगी हो जाती है ऊपर से। अब ये आ गया जी जो बॉम्बे वाला टच है, वो यही है कि बॉयल आलू जो है ना बॉम्बे में सैंडविच में, हर सैंडविच के अंदर जो है बॉम्बे में ये डलता है। अब ये आ गया जी पनीर के जो है 2 स्लाइस, तो काफ़ी सही लग रहा है यार, काफ़ी हैवी है। तो 50 रुपये में लगता तो है कि आराम से जो है आराम से पेट भर सकता है। हाँ हम खाए हैं, बहुत टेस्ट बहुत अच्छा आया है, मेरा बेटा भी खाया है, बार बार कहता है आने के लिए। हम अभी वीरवार को खा के गए थे, फिर आ जाए खाने के लिए, फिर पैक करा के भी लेके जा रहे हैं। तो भाई हमारा बॉम्बे सैंडविच जो है जी रेडी हो गया, अब इसको मैं रखता हूँ साइड पे। नेक्स्ट क्या बना रहे हैं जी हम? तो पनीर कुलचा भाई मैं एक बनवाने लगा हूँ, और इसका भी मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, 40 रुपये इसका प्राइस है। बाकी अंकल जी की जो एक है ना अपना खुद का टच देने की जो आदत है यहाँ पर, कहते हैं ना थोड़ा मक्खन वगैरह ज़्यादा बढ़िया लगा के बना दो तो 50 रुपये ले लेते हैं जी। हाँ तो बढ़िया वाला बनाना आप जी, अमूल का बटन भी लगा दीजिए, ठीक है जी। हाँ तो अमूल मक्खन वगैरह, मतलब अगर आप 50 का लोगे तो एक्स्ट्रा जो है वो अमूल मक्खन लगा देते हैं। और इसके अंदर क्या करते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो भाई पनीर कुलचा जो है हमारा काफ़ी अच्छे से जो है ना अमूल मक्खन वगैरह लगा के इन्होंने सेक दिया, और अंदर भी जो है ना इसमें प्याज के लच्छे वगैरह, मतलब वो मसाला वगैरह बनाकर तैयार किया गया। ऊपर आ गया जी ये प्याज टमाटर चॉप किए हुए खीरा, ठीक है। और ये इन्होंने डाल दिया जी अपना खुद का भी मसाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो देते हो ये 50 रुपये का हो गया जी, हाँ जी ठीक है जी। तो 2 चीज़ें हो गई, यहाँ रख दो जी, 2 चीज़ें हो गई जी, एक हमारा पनीर कुलचा हो गया जी, एक बॉम्बे सैंडविच हो गया। अब ये अंकल जी कह रहे हैं जी आप पैटीज जो है ना वो ट्राई करो सेकने के लिए, यहाँ पे रख दिया जी। सेकने के लिए तो भट्टी है, मैं तो वैसे रख दिया हूँ। अच्छा भट्टी है, कोयले की। अच्छा ये कोयले की भट्टी है, मैं आपको दिखा दूँ, मेरी नज़र पड़ी थी मैं भूल गया आपको दिखाने के लिए। ये देख रहे हो नीचे जो अंगीठी वाला सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है जी, दिख रहा है, दिख रहा है अंकल, बड़े आराम से दिख रहा है जी। हाँ फर्स्ट क्लास दिख रहा है, और इसी से ये जो है ना ये पैटीज समोसे जो है ये सिकते रहते हैं। तो अब ये हमारी वाली पैटीज की तैयारी हो रही है जी, प्याज टमाटर इनको चॉप कर दिया जी, खीरा आ गया जी। अब ये हमारी पैटीज आ गई जी, और इसके अंदर भी वो आलू की स्टफिंग है ही, लेकिन उसके बावजूद ये सारी सलाद जो है ना ये इसके अंदर जाने वाली है। भाई आप ज़रा एक बार, भैया जी थोड़ा सा ज़रा हाथ हटाओ, ये लुक देखो यार आप, क्या शानदार लग रही है ना, बहुत बढ़िया जी। और ये इसको बंद कर दिया, 25 रुपये में यार ये अंकल बड़ी चीज़ दे रहे हो आप, हैं
हमारी तीन चीज़ें हो गई मेरे ख्याल से। वो समोसा अंकल मैं एक पीस ले लूँगा कि किस तरीके का है, बाकी मैं अपना जो है हाँ नूडल्स के समोसे आएंगे। अच्छा जी, और इसके साथ भी मैंने देखा आप ये साथ में ये प्याज खीरा, ये तो ये आप हर चीज़ के साथ देते हो, थोड़ा सा हेल्दी हो जाए हैं। हाँ मैं सही बताऊं तो मैं जो है ना भाई बॉम्बे सैंडविच के लिए अंकल के पास रुका था, लेकिन मैंने ना आप देखो तो ये सारी चीज़ें ले ली है। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, ये बॉम्बे सैंडविच 50 रुपये इसका प्राइस है। उसके बाद ये पैटीज़ है जी, मात्र आराम से 15 या 20 रुपये की लोगों के पास मिलती है, लेकिन ये 25 रुपये की दे रहे हैं, लेकिन वो उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं, उन्होंने उसको 25 रुपये वाला माल तैयार कर दिया है। उसके बाद साथ में मैंने लिया है जी ये पनीर कुलचा, जिसका मैंने पे किया है जी 50 रुपये, लेकिन अगर आप देखो तो इसके अंदर भी जो है ना उन्होंने काफ़ी अच्छे से खीरा प्याज वगैरह चीज़ें डाली हैं। और ये है जी 20 रुपये के दो समोसे, इसमें वो बता रहे हैं कि ये नूडल्स वाले जो है ना जी समोसे हैं, इसके अंदर आप देख सकते हो नूडल डले हुए हैं, तो भाई ये भी जो है ना वर्थ लग रहे हैं। बाकी टेस्ट करेंगे जी ये सारी चीज़ें और आपको जो है इनका स्वाद बताएंगे। सबसे पहले भाई मैं ट्राई करने लगा हूँ, वैसे मैंने सोचा था कि मैं बॉम्बे सैंडविच करूँगा, लेकिन मैं सबसे पहले ट्राई कर रहा हूँ भाई ये चाउमीन वाला समोसा, जिसके अंदर आप देख सकते हो भाई नूडल्स वगैरह डले हुए हैं, काफ़ी सही लग रहा है। 10 रुपये का एक समोसा है अंकल जी। हाँ जी, तो 10 रुपये का एक समोसा जी, इसको टेस्ट करते हैं, ये वाला ले लेता हूँ चलो, और आपको बताता हूँ इसका स्वाद कैसा है जी। जो चटनी है ना उसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, समोसा बहुत बढ़िया है, छोटा सा है, नूडल्स का भी इसके अंदर फ्लेवर आ रहा है, और जो आउटर लेयर है वो समोसे की, तो इसलिए थोड़ा सा समोसे वाला टेस्ट भी आ रहा है जी। तो भाई 20 रुपये के हिसाब से मैं सही बताऊँ तो ये वर्थ है। और साथ में जो कमाल कर रहा है ना वो ये सलाद कर रही है जी, जो इन्होंने साथ में ये प्याज टमाटर खीरा वगैरह दिया है, तो इससे जो है इसका कॉम्बिनेशन जो है ना और भी ज़्यादा अच्छा बढ़ रहा है भाई। नेक्स्ट चीज़ ट्राई करते हैं। अब बारे जी पनीर कुलचा को जो टेस्ट करने की, इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। मैं सही बताऊं भाई मुझे ना ये समोसे से भी ज़्यादा स्वाद लगा है, बहुत बढ़िया है। इसके अंदर की जो प्याज वगैरह जो मसाले डले हुए हैं ना वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, और साथ में जो इन्होंने खीरा प्याज टमाटर डाला है भाई, उसका क्रंच जो है ना वो बहुत अल्टीमेट आ रहा है। 50 रुपये इसका वर्थ है, मैं कह रहा हूँ भाई वैल्यू फॉर मनी है, एक बार खा लोगे ना तो आपका पेट भर जाएगा भाई, मज़ेदार। तो भाई अब आ रही है जी पैटीज़ को टेस्ट करने की। आप देख सकते हो इसके अंदर भी जो है ना काफ़ी अच्छे से खीरा प्याज टमाटर वगैरह भैया ने दिया है। अब इसको जी टेस्ट करते हैं, आ जाओ। इतना गर्म बहुत है भाई, बहुत मज़ेदार है। मैंने ना सेंटर से बाइट लिया अगर आप देखो तो, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ना वो प्याज खीरा टमाटर वगैरह अभी आया नहीं है, तो एक बाइट जो है ना और लूँगा। पच्चीस रुपये की चीज़ है जी, उसको इतना कमाल का बना दिया है ना, बहुत मज़ेदार है। अंदर सारा खेल जो है ना, ये जो प्याज टमाटर खीरा और जो मसाला डाला है अल्टीमेट है। 15 रुपये 20 रुपये पैटीज मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा जो खीरे टमाटर का टेस्ट लाए ना भाई वो अल्टीमेट है, वर्थ है, मज़ा आ गया यार इसको खा के। लास्ट हमारा रह गया जी ये बॉम्बे सैंडविच, जिसके लिए मैं यहाँ पर रुका था। अब इसको जी टेस्ट करते हैं, आप ये देखो ये एक सिंगल बाइट है, टेस्ट करते हैं जी, आ जाओ। पहला वर्ड जो इसके लिए आ रहा है ना वो है जी रिफ्रेशिंग, बहुत बढ़िया, इतना स्मूथ है ना, जो खीरा वगैरह डाला है प्याज टमाटर कॉम्बिनेशन बहुत कमाल का। ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में बहुत आराम से आपको मिल जाएंगी, मुझे लगता है इसको आप बड़े आराम से जो है ना घर में तैयार कर सकते हो, और भाई मज़ेदार है ये, आप ज़रूर ट्राई करना, वर्थ है। और अगर नहीं बना सकते हो भाई तो लोकेशन मैंने आपको बता दिया, यहाँ आओ, 50 रुपये में ना वर्थ है। इनमें से तीन चीज़ें जो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी, नंबर वन पे जी ये सैंडविच, उसके बाद ये कुलचा और ये पैटीज, फोर्थ नंबर पे है जी ये मेरा समोसा। और मैंने आप लोगों को बता दिया भाई, और आज इस वीडियो शूट में जो मेरी हेल्प करी है ना ये भैया है जिन्होंने कैमरा संभाला था, क्या नाम है भैया आपका? पवन कुमार। और देख लो भाई मेरे लिए ना कम से कम आधे घंटे से यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच भाई, आपने मेरी मदद करी, नहीं तो मैं अकेला ही हूँ आज वीडियो शूट करना, आपको पता अकेले में ना थोड़ा सा टफ होता है। बाकी जी 6:20 हो चुके हैं, अंकल जी पूरा सेटअप अपना जो है ना मतलब पैक कर रहे हैं, घर जाने की तैयारी हो गई है। टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ जी, सुबह 11 बजे से लेके
6 बजे तक यहाँ पर अंकल जी आपको मिलेंगे। लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, सामने DAV स्कूल है जी और इस तरफ है जी बाल भारती स्कूल। और अगर बात करो भाई कौन कौन से दिन आते हैं, तो मंडे से लेके सैटरडे तक आपको जो है ना अंकल जी यहाँ पे मिलेंगे। संडे इनका ऑफ रहता है। बाकी यहाँ का गूगल मैप मोबाइल नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, आपके सपोर्ट की भाई बहुत ज़रूरत है। फटाफट जो है ना 1 लाख जो है सब्सक्राइबर हम चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों का भाई सपोर्ट चाहिए। बाकी भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में जी, तब तक के लिए बाय बाय।